जिंदाबाद जिंदाबाद झारखंड के रामगढ़ कोयलांचल में भी कोयला मजदूरों का आज से राष्ट्रव्यापी दो दिवसीय हड़ताल शुरू हो गया है। इस हड़ताल से सीसीएल के खदानों से कोयला उत्पादन और परिवहन ठप हो गया है। इस हड़ताल में कई ट्रेड यूनियन शामिल हैं। हड़ताल से अरबों रुपए का नुकसान होने की संभावना है। हड़ताल समर्थक जेएमएम महासचिव फागु बेसरा ने कहा कि आज पूरे भारत वर्ष में राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियन के द्वारा मोदी सरकार के मजदूर विरोधी नीति के कारण हड़ताल का आह्वान किया गया है और तमाम सेक्टरों में सब जगह बंद किया गया है। आज पूरे भारत वर्ष में राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड यूनियन के द्वारा मोदी सरकार के मजदूर विरोधी नीति के विरोध में आम हड़ताल का आह्वान किया गया है और तमाम सेक्टरों में, चाहे कोल का सेक्टर हो, पावर का सेक्टर हो, चाहे सेल का सेक्टर हो, इस्पात का हो, बैंकिंग हो, नॉन बैंकिंग हो, प्लेन हो, रेल हो, सभी सेक्टर में आज आम हड़ताल का आह्वान 8-9 जनवरी दो दिन का किया गया। आज प्रथम दिन है और विशेषकर पूरे कोयलांचल में इस हड़ताल का प्रभाव है और हम समझते हैं कि पूरा कोयलरी का चक्का जाम है, उत्पादन ठप है और कोयले की ढुलाई पूरी 100% ठप। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कोयला श्रमिकों ने सरकार के खिलाफ यह हड़ताल किया है। इनका आरोप है कि सरकार कोल सेक्टर को निजीकरण करने की साजिश कर रही है, श्रम कानूनों में संशोधन कर मजदूरों पर हमला करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। एक ओर जहां हड़ताल को समर्थक सफल बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीसीएल पुंडी परियोजना के परियोजना पदाधिकारी बी शर्मा ने कहा कि कोई खासा असर नहीं। उन्होंने कहा कि अभी बीच में उत्पादन डिस्टर्ब हुआ था, पर हमने अपील भी किया कि जो लोग स्वयं से आए हैं उन्हें काम करने दें, उन्हें बाधा ना पहुंचाए, अन्यथा बाधा पहुंचाने पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मंदी का उपस्थिति के ऊपर कोई असर नहीं है, हमारा अटेंडेंस नॉर्मल है और शांतिपूर्वक भी है। शुरू में डंपर भी निकला, चालू भी हुआ है, प्रोडक्शन भी हुआ। बीच में कुछ लोगों ने रोड में झंडा लगाया है जो आपको दिख रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अभी 9-10 ब्रेक होता है, 10 बजे लगभग फिर से नॉर्मल उत्पादन चालू हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है। अभी उत्पादन बंद है, अभी बीच में डिस्टर्ब हुआ था कुछ देर जिन्होंने कि झंडा लगाया है। हम लोगों ने उनसे अपील भी किया है कि जो लोग स्वयं आए हैं कार्य करने के लिए उसमें बाधा नहीं पहुँचाया जाए, बाधा पहुँचाने पर हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। थाना से भी फोर्स मंगाया गया है, किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न होगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। इस दो दिवसीय हड़ताल में रामगढ़ कोयलांचल क्षेत्र में अरबों रुपए के नुकसान होने की संभावना है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने में समर्थक सुबह से ही जुटे हुए हैं, जिसके तहत पतरातू ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के विष्णु कुमार के नेतृत्व में मोटरसाइकिल जुलूस के माध्यम से पूरे पतरातू औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण कर वहां पर बंदी कराया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर रैयत विस्थापित मोर्चा और सीपीआई माले के लोग सड़क पर उतरकर सैकड़ों की तादाद में सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए हड़ताल को सफल बनाने में सड़क पर डटे हुए हैं, घूम घूम कर जगह जगह पर जाकर बंदी कराने का काम कर रहे हैं। आज बंदी का कारण है कि केंद्र में जो सरकार है वो हमारे मजदूरों का जो श्रम कानून हमारे अथक लड़ाई के दौरान मिला हुआ था उसको संशोधन पर तुला हुआ है और अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो मांग चल रही है उसमें वही मजदूर का वेतन और जो हमारे राष्ट्रीय मजदूर का वेतन में बहुत फर्क है। हमारी मांग है कि समान मजदूरी समान वेतन मिलना चाहिए और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 सख्ती से लागू होना चाहिए। हड़ताल समर्थक जहां सरकार पर मजदूर विरोधी कानून बनाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इस हड़ताल को राजनीति से प्रेरित बताते हुए बीजेपी मजदूर यूनियन संघ के लोग इस हड़ताल को बेअसर बता रहे हैं। मजदूरों का कोई समस्या का समाधान की बात नहीं है, ये राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वोट की राजनीति हो रहा है, इसलिए हम भारतीय मजदूर संघ इससे अलग हैं। अगर मजदूर की समस्या के लेके होता, मजदूर के लिए आंदोलन किया जाता तो भारतीय मजदूर सबसे आगे बढ़ के काम लेता और ज़रूरत पड़ा है तो हम भारतीय मजदूर संघ
भाजपा के संसद विधायक को भी घेरा है क्षेत्र में, और दिल्ली संसद को भी घेराव भारतीय मजदूर संघ किया है। इसलिए इस मैंने मुद्दा से भारतीय मजदूर संघ अलग है, इसलिए अलग है कि इसमें कोई भी मजदूरों का समस्या का मुद्दा इसमें नहीं है। नाम दे अपना है? नाम अपना आरवी त्रिपाठी भारतीय। वेब्स वेजिटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है